बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सेवन थार के साथ आपका मेज़बान अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया गया और यकीनन ये कश्मीरियों के लिए एक बहुत अहम दिन है और पाकिस्तान के लिए भी अहम है, क्योंकि कायद आज़म ने सही कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और जिस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि हमारे तमाम दरिया कश्मीर से निकलते हमारे पास आते हैं और आइंदा सालों में कहा जाता है कि अगर कोई जंग होती है, एटमी जंग खुदा ना खास्ता, तो वो पानी के ऊपर होगी। लेकिन देखिए कि आप इस कश्मीर डे पर हमारी दो अहम बड़ी पार्टीज़ ने जलसे किए, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने लाहौर में जलसा किया, एक मुजफ्फराबाद एक लाहौर। दोनों जलसों में अगर आप उसका जायज़ा लें, आप एनालिसिस करें, तो उन जलसों से ये पता लगता है कि इन जलसों में खसूसी तौर पर मियाँ साहब ने अपनी नाअहली का जो एक समझते बयानिया है जिस वक्त चल रहा है उनका, कि उनको विक्टमाइज किया गया, उसका ज़ोरों शोर से चर्चा किया। दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो मियाँ साहब को बारे में कहते हैं कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ सही काम हो रहा है और मियाँ साहब को मेरा ख्याल है सियासत से फारिग कर देना चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें बड़ी अहम थी, लेकिन कश्मीर कॉज जो है वो उसके एक्लिप्स कर गई और उसके नस्बत सियासी गुफ्तगू का चर्चा बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो एक अवामी और एक अवामी स्टेज है। अवामी स्टेज में जब एक सियासी लीडर बातें करता है तो ये भी कह जाता है कि अगर मुझे नाअहल ना किया जाता तो शायद इस मुल्क से मैं फौरन रोज़गारी ख़त्म कर देता, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। हालांकि बेरोज़गारी ख़त्म करना एक आसान काम नहीं है। बहरकैफ उनका एक अवामी बयानिया था, उन्होंने जलसे में कहा और ये भी कहा कि मेरे दिल में बहुत अरमान थे, वो पूरे हो जाते तो शायद पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। तो ये वो बयानिए थे जो कि उससे कहे गए और हम आज अपने जो पैनल है उससे पूछेंगे कि क्या मियाँ साहब ने जो इससे बयानियाँ लिया हुआ है, ये इससे मकबूलियत का ग्राफ उनका बढ़ रहा है या ये एक समझते हैं कि एक वक्ती तौर पर चीज़ है जो इलेक्शन के रिजल्ट से मुख्तलिफ आएंगे। इन तमाम अमूर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मोहतरम पैनल से। हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर गदरफर अली साहब, दफाई उमूर के तजियाकार हैं और सियासत पर भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी माहराना राय देते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर इकराम साहब, जो बहुत ही अच्छा तजिया करते हैं पाकिस्तान की मीशत के बारे में भी, लेकिन सियासत में भी इनसे कोई बढ़ के तबसा नहीं कर सकता, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, कल पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के साथ कौमी यकजहती का दिन मनाया गया और उस दिन खसूसी तौर पर दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी मेन स्ट्रीम की हैं उन्होंने जलसे भी किए, एक मुजफ्फराबाद में और एक लाहौर में हुआ, तो जिसमें मोस्टली सियासत के ऊपर ज़्यादा बातें हुई लेकिन कश्मीर कॉज के ऊपर बात नहीं हुई। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इतने सालों से ये जो जमात इस्लामी की काजी हुसैन अहमद साहब की अपील पर उस वक्त ये फ़ैसला हुआ ये मनाने का दिन, अब क्या देखते हैं कि इस किस्म के जो दिन होते हैं क्या इससे, जब से हम देख रहे हैं कि कश्मीर पर कोई पेशरफ बेहतर हुई है, कोई हमारा स्टांस या हमारा मौक़िफ़ जो है आलमी रायामा में कुछ कारकर्दगी दिखा सका? बात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसके ऊपर अगर आप उसकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में या थ्योरेटिकल डिस्कशन में या प्रैक्टिकल डिस्कशन में जाएँ तो वो कहते हैं कि कंसेप्चुअल डिस्कशन में आपको आर्स रिक्वायर्ड होंगे और रिटर्न में आपको वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन दो चीज़ें जो आपने लिंक की हैं यहाँ पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक आपने कश्मीर के मसले का ज़िक्र किया, दूसरा आपने 5 फरवरी का अहमियत से जिक्र की, ख़ास तौर पर जिक्र किया, और तीसरा आपने फरमाया कि जी दो पार्टियों के जलसे हुए। यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो दो पार्टियों के जलसे हुए हैं उनको तो कश्मीर कॉज से बिल्कुल बाहर निकाल दें, उसका कोई कश्मीर कॉज से या कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट से या कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, जो औरतें कुर्बानियां दे रही हैं, जिस तरह वहाँ पे जुल्म बेहमाना जुर्म, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि वो जो ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ के रिमार्क्स हैं वो कश्मीर कॉज की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ़ है, क्योंकि वो शख्स सिर्फ ताकत का भूखा है, करप्ट आदमी जिसको अदालतों ने निकाला, उसके जहन पे ही इज बिकम अ साइकोलॉजिकल पेशेंट, वो साइकोपैथ हो गया है। उसके जहन में सिर्फ क्योंकि वो इख्तदार का भूखा है,
اور بھوک کے لیے اس کو نکال دیا گیا ہے تو اب وہ فقیروں کی طرح اس کے ذہن میں ایک سوال رہ گیا کہ مجھے کیوں نکالا اور بلکہ جا کے پاکستان سے اس نے حد کر دی مظفرآباد میں کہ وہ کہتا ہے مجھے پاکستان سے نکال دیا گیا ہے تو کشمیر میں رکھ لو میننگ دیئر بائی آن دی کشمیر ڈے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں انڈیا میں گیا تو وہاں پہ بھی مجھے کوئی جاب ملا تو میں وہ بھی نریندر مودی کے ساتھ مل کے کرنے کے تیار ہوں پاکستان کے اوور آل انٹرسٹ کے خلاف تو نواز شریف کو تو آؤٹ کر دیں کشمیر کاز سے نواز شریف نے جس طرح کشمیر کاز کمپرومائز کیا ہے اگر کشمیری ایک دفعہ سوچیں تو وہ تھرا کے رہ جائیں گے کہ اس پرائم منسٹر نے وہ شخص جو بنیادی طور پہ جس کے فور فادرز پاکستان بننے کے مخالف تھے اور آج بھی وہ جہاد یا ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ویسٹرن کیپٹل میں دیٹ مین از یہ آدمی ان ایکسیپٹیبل ہے اس کو نفرت کرتے ہیں ویسٹرن کیپٹل میں لوگ اس سے اس کے ریمارکس اس کو اس نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگایا صرف سیاسی رشوت کے طور پہ میں وہی بگیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مشال ملک ہیں جو کہ یاسین ملک کی اہلیہ بھی ہیں بہت اچھا بولتی بھی ہیں آرٹیکولیٹ بھی ہیں اور کشمیر کاز کی بھی بہت جدوجہد کرتی نظر آتی ہیں کیا حکومت پاکستان کو نظر نہیں آتی ان کو چیئر پرسن بنا دیا جائے آپ بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال کریں آپ آدمی ڈھونڈنے لکھ لیں گے تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ کو بے تاشا لوگ مل جائیں گے آپ کو پیپلز پارٹی میں مل جائیں گے آپ کو تحریک انصاف میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو جماعت اسلامی میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو باہر جا کے پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ جو ہے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے اور اس سے پہلے آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے آپ ذرا دیکھیے گا یہاں سے کچھ وفود گئے تھے مسلم لیگ نون کے کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے وہ وہاں کشمیر کے مقدمہ پیش کرنے کے بجائے کشمیر کے مقدمے کو کمپرومائز کرائے اس لیے کہ یہ تمام ایک ڈرامہ ہے جو ابھی تک ایک چیزیں جو ہے آپ دیکھیے کشمیر کی تاریخ پہ اگر جائیں تو صرف ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ 1940 ایک تو پہلی بنیادی چیز جو ہے کہ آج بھی وہاں پہ انڈین آرمی جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک آکوپیشنل آرمی کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ لیٹر آف ایکسیشن جو مہاراجہ کے ساتھ سائن کیا گیا تھا جو اب ریکارڈ میں اویلیبل نہیں ہے اس کے اوپر جو تاریخ پڑی ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے انڈین آرمی پونچھ میں لینڈ کر چکی تھی اور آپ کو پتا ہے مجاہدین جو ہے وہ پونچھ کے دروازے پہ سری نگر کے دروازے پہ اور سری نگر لے روڈ جو ہے جو گلگت سے اوپر آ کے آتی ہے اس کے اوپر پوری طرح سے قابض تھے تو پھر انڈین آرمی نے جب جا کے وہاں پہ لینڈ کیا وداؤٹ اینی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن وداؤٹ اینی اگریمنٹ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ آج تک انڈیا کا کشمیر پہ غازوانہ قبضہ ہے پھر 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد انہوں نے 1948 میں غالباً فروری کا مہینہ تھا تو انہوں نے وہاں پہ کچھ مسلمان فیملیز تھی 300 کے قریب ان کو کہا ہم آپ کو ری سیٹل کرتے ہیں ان کو گاڑیوں میں بٹھایا ان کو انڈین آرمی لے کے گئی اور 300 آدمیوں کو مسیکر کر دیا گیا وہاں سے کشمیر کی جو قربانیاں تھیں ان کا لٹرل آغاز ہوتا ہے جو کشمیری آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو لیڈرشپ تھی جب ہم اس کا بیہیویئر مختلف اوقات پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جب کشمیر کو ڈسپیوٹڈ کاسٹ کی لسٹ سے نکال دیا گیا تھا کوفی عنان یو این او کا اس وقت سیکرٹری جنرل تھا تو کشمیر کو ہٹا دیا گیا تھا اس لیے ہم کشمیر کا جو بنیادی مقدمہ ہے جس میں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ڈیمانڈ نہرو گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اپنا یو این او میں گیا تھا وہاں پہ ٹیلی گرام موجود ہیں وہاں پہ وہ جو پلیبسائٹ کمشنر ہے وہ اپوائنٹ ہو گیا تھا اس پلیبسائٹ کمشنر نے کشمیر کا وزٹ کیا تھا اس پلیبسائٹ جنرل نکلی کیا نام تھا اس نے جا کے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی اس کے بعد یونائٹڈ نیشن مشن فار انڈیا اینڈ پاکستان جس کا آج بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہے کینٹ میں لیکن اس کو انڈیا ریکگنائز نہیں کرتا انڈیا میں اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے وہ یو این مشنز کو آگے جانے ہی نہیں دیتے وہ قائم کیا گیا ہمارے ہاں چونکہ ہم مختلف اوقات میں کبھی چناب فارمولا پریزنٹ کیا کبھی کوئی کنٹرولڈ ویلی فارمولا پریزنٹ کیا تو ہم کشمیر کاز سے کھیلتے رہے اور اس کی ہائٹ ہوتی ہے نواز شریف کے زمانے میں جس وقت نہ وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے یو این او میں جاتا ہے کیونکہ اس کی مودی سے ذاتی دوستی ہے اب میں نے تو نہیں کہا جب یہ جندال آیا تھا تو مریم نواز کا ٹویٹ پڑھ لے کہ جی ہمارے اس سے فیملی ریلیشن ہے تو فیملی ریلیشن کے اوپر اگر آپ نیشنل کاز کو قربان کر رہے ہیں تو آپ 5 فروری کو 10 دفعہ بھی منا لیں کوئی فائدہ نہیں دنیا میں تو کوئی آپ کی جب آپ کا ایک وکیل جس نے کشمیر کا مقدمہ وہ جہاد پہ بلیو ہی نہیں کرتا بالکل ہی از انسوٹیبل
मतलब उसकी मैं क्या किस तरह बताऊं, मुझे ये नहीं कि मैं सिर्फ कश्मीर का, मैं वो सियासत करे भले सारी उम्र सियासत करे, लेकिन कश्मीर पे उनकी जगह नहीं बनती। और वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बाद साहब सियासी रिश्वत के तौर पे अपॉइंट किया गया है। कश्मीर कमेटी का बजट है, वो उसकी फैसिलिटीज एंजॉय करता है, मिनिस्टर के बराबर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, वो एक घर लेके रह रहा है, वो उसका टीएडीए खाता है। टोटल 4 इजलास हुए 5 इजलास हुए। आप मुझे बताइए कि आप किस कश्मीर की बात, तो कश्मीरी जो वहां पे अपने आप को पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, जब वो ये बिहेवियर यहाँ पे देखेंगे तो वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रिगेड साहब। डॉक्टर साहब कल बड़ी मजेदार बात की हमारे जो माजूर सदर वजीर आजम है, जो नाहल वजीर आजम है, कल उन्होंने एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए, उनका बेसिकली मकसद तो मुजफ्फराबाद में जलसा करने का ये था कि शायद कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते, लेकिन जनरली देखा गया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर आवाम से राय ली अपनी नाअहली के बारे में। एक बात बड़ी दिलचस्प उन्होंने कही, मैं आपसे उसे कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि मईशत पर आपकी बहुत गहरी नज़र है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेते हैं और आपकी स्टडी बहुत है इस मामले में। उन्होंने कहा जी कि अगर मैं रहता तो मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती, क्या ये आवाम की कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट था या वाकई उसमें कोई वजन था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जलसों में सवाए अपनी ज़ात को आगे रखने के, मैं होता तो ये हो जाता और मैं होता तो ये कर देता, भले उनको काफ़ी मौका मिला, अगर उन्होंने उस वक्त करना होता तो ज़रूर कर देते। अब तो ज़ाहिर है कि उनका सिर्फ दो इस वक्त प्रोग्राम हैं, एक तो ये कि वो हर वक्त ये शिकवा करते हैं कि मुझे क्यों नहीं, फिर उसकी एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि बेटे की मैंने कंपनी से सिर्फ ये है कि मेरा कसूर है कि मैंने तनख्वाह नहीं ली। हालांकि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर भी मैं रोशनी डाल देता हूँ थोड़ी सी मुख्तसर। वो ये कि मतलब एक डॉक्टर साहब कहा जाता है अक्सर जब से वो नाहल हुए हैं वो ओकामा की बात बहुत करते हैं, मुझे पनामा पे नहीं ओकामा पे निकाला गया। आज जरा आवाम के लिए बताए तो डॉक्टर साहब, ये ओकामा है क्या चीज़, इसका क्या नुकसान है जिसके बारे में कहा गया कि ये ओकामा नहीं होना चाहिए हमारे सियासी लीडरों के पास? जी ये देखिए, इसमें दो मामला थे। एक तो उन्होंने ओथ पे झूठ बोला, क्योंकि जब उन्होंने अपने 31 मार्च के 2013 के जो नॉमिनेशंस पेपर अगर आप देखें तो उसमें किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं किया। एक ये झूठ था जो उन्होंने हल्फन बोला। फिर उन्होंने अकाउंट्स छुपाए वहाँ पे जो उन्होंने उस कंपनी के ज़रिए वहाँ ऑपरेट करते थे। ओकामा तो सिर्फ एक धोखा था, असल उसकी कार्रवाई कुछ और थी। तीसरा जो उन्होंने जुर्म किया वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद फिर दोबारा उस ओकामा की एक दफ़ा रिन्यूअल हुई, यानी कि आप ये अगर चलिए उससे पहले वो किसी जगह मुलाजम भी थे तो असूली तौर पर तो उनको ना सिर्फ ये कि उसका इजहार करना चाहिए था, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के पहले ही उसको छोड़ देते। अब उनकी दीदा दिलेरी देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हलफ लिया और साथ ही उसके बाद उस कंपनी के अंदर दोबारा अपनी पोजिशन जो थी उसका जो था वहाँ पर रिन्यूअल करवाई। अब ओकामा का भी इशू ये होता है कि इन लोगों को ज़ाहिर है कि वीज़ा का तो कोई इशू नहीं होता। आप एक पाकिस्तान के, वो उस वक्त भी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे माशाल्लाह, 3 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, तो वो तो कहीं जाते हैं, उनके लिए वीज़ा तो कोई इशू नहीं होता। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि ओकामा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल। जी मैं अर्ज़ कर रहा था, देखिए ना, एक तो आप किसी वहाँ पर कंपनी की ज़ाती मुलाजमत इख्तियार करते हैं और फिर वहाँ आपका एक अकाउंट खुलता है, क्योंकि दुबई में असूल ये है कि जिसको भी आप मुलाजम रखते हैं उसको हर फर्स्ट को जो भी उस वहाँ डेट ऑफ पेमेंट आपकी फ़र्स्ट है या सेवन है या टेंथ है, जो भी आप डिटरमिन कर लेते हैं, तो वहाँ लेबर लॉज इस बात पे बहुत सख्त हैं कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करना होता है उसके अकाउंट में पैसा। अब इनके वहाँ कई ज़ाहिर के अकाउंट्स थे, जहाँ से अभी आपने अगर GIT की रिपोर्ट देखी हो तो उन्होंने बेशुमार अकाउंट्स का जिक्र किया है, जो कैपिटल FZ जो उनकी कंपनी थी वहाँ से वो ऑपरेट करते थे और दुनिया जहान में। दरअसल तो वो एक लेटर बॉक्स कंपनी थी, वहाँ उन्होंने जबले अली में तो कोई कारोबार नहीं किया। अब आप सोचिए कि एक कंपनी आप वहाँ क्यों बना रहे हैं, सिवाय इसके कि जो आपकी दौलत है उसको आप छुपा सकें, वहाँ से आप मूव कर सकें और किसी को पता ना चले, क्योंकि उस जाहिर है कि अगर आप किसी और मुल्क में जाकर अपना अकाउंट खोलेंगे तो उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान के अगर कोई चाहे भी तो बाईलेटरल एग्रीमेंट या हमारे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के तहत नहीं ले सकता। तो ये दरअसल जो आवाम को बताना भी चाहिए, और वो एक ऐसी कहानी बना रहे हैं कि बस मैंने तनख्वाह नहीं ली। असल तो ये जुर्म उनका जो था, जिस पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ बहुत ज़्यादा रायत की है, दरअसल उन्हें डिसक्वालीफाई नहीं, उनको तो सीधा जेल में जाना चाहिए था,
क्योंकि ये जो उन्होंने जुर्म किया ये तो आईने पाकिस्तान की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान के आईन का इस तरह से खुला मजाक उड़ाए, उसका जो ओथ उसने उसके तहत लिया उसका खुला मजाक उड़ाए, वहाँ से बैठकर वो अपने गैर कानूनी तौर पर जो भी उसकी दौलत है उसको इधर से उधर करे, तो फिर उसको सिर्फ उन्होंने नैब में भेजा है। मैं तो समझता हूँ वहीं पे चूँकि एविडेंस आ चुका था, JIT की अगर आप वो रिपोर्ट देखें तो उसमें उनके उस अकाउंट का भी जिक्र है जिसमें 6 सैलरीज गई हैं। अगर वो JIT थोड़ी सी और मेहनत करती और उस अकाउंट को वो अनअर्थ करके सारे का सारा जो उसमें ट्रांजैक्शंस थी वो सामने ले आती। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने जल्दी में किया है, नहली की वजह से किया है, दानिश्ता किया है, गैर दानिश्ता किया है, अभी भी नैब उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर वो अकाउंट सामने आ जाए तो आप हैरान होंगे कि उसमें कितनी खतीर रकमें जो थी उनका तबादला किया गया है, और ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम बनता है जिसकी बहुत कड़ी सज़ा है। ब्रिगेड साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और मियां साहब के ऊपर आप देखेंगे जो नाहली का एक धब्बा लगा है, और जैसे डॉक्टर साहब ने उसकी तफसील भी बताई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मियां साहब के बयानिए में एक शिद्दत बहुत आती जा रही है जिसमें अदलिया के खिलाफ बोलते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे विक्टमाइज किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, और आवाम का कुछ जोश व खरोश में कुछ लगता है कुछ ज़्यादा नहीं हो गया उनके जलसों में, क्या देखते हैं, ये मकबूलियत है या कोई और वजह है? देखिए, जहाँ तक तो मैंने आप सर्च किया ना, जहाँ तक तो नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है, उसकी नज़र में ना कोई अदारा मुक्तदर है, उसकी नज़र में ना आवाम मुक्तदर है। मतलब आप ये आवाम कब सोचेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नवाज शरीफ जो है वो आवाम से कितना सिंसियर है। मैं सिर्फ जब PMLN की बात से आप करते हैं तो पूरी पार्टी की बात नहीं कर रहे। आप देखिए कि अजीत कुमार डेविल जो है वो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और उसने अपने एक सेमिनार के दरमियान बात करते हुए जो उसने पॉलिसी दी, क्योंकि वो रॉ को भी लुक आफ्टर करता है और इंटेलिजेंस के जितने उसके अफेयर्स हैं, उसने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है वो जो लोग लड़ रहे हैं दे आर मर्सनरीज, और हम उनको इतना पैसा देंगे कि जितना पैसा कमा रहे हैं उसे डबल करके हम पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाएंगे, सुसाइड बॉम्बर भी भेजेंगे, अटैक भी करवाएंगे, और पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज भी करेंगे। और यही नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। आपको पता है जब से मोदी ने टेक ओवर किया है और नवाज शरीफ उसकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में गया था और फिर वहाँ से वो वापस आया था, तो उधर से लेके आपको पता है आपके बॉर्डर पर किस तरह कॉन्स्टेंटली फायर हो रहा है। उस फायर के अंदर कौन लोग शहीद हो रहे? कॉमन आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब बच्चे हैं, गरीब औरतें हैं, वो हैं जो रोज़ाना इंडियन गोलाबारी का निशाना बढ़ती है। उसके ऊपर पाकिस्तान फौज तो रिस्पॉन्स करती है, लेकिन लीडरशिप कौन थी? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था ना, और वे ये दोनों शख्स नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी वीजे के नवाज शरीफ के घर में, उसके ड्राइंग रूम में वो आए भी। और लेकिन मैं ये भी देखता हूँ ब्रिगेडियर साहब के जो जलसा जैसे कल हुआ था, अगर जिस तरह अवामी लीडर होता है मोदी को मुखातब करके कहता है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कभी ऐसा बयानिया नहीं किया। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद मरियम नवाज कहती है हमारे उससे जाति ताल्लुक। आप मुझे बताइए कहाँ ये अवाम बेवकूफ़ हैं, इनके जहन में कोई इनको पता नहीं इनको मरवा कौन रहा है? इंडिया मरवा रहा है, और उनका दोस्त नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ के घर के ड्राइंग रूम में वो बैठे होते। ये लोग कब सबक सीखेंगे? नहीं तो मरते रहेंगे अवाम इस तरह। एक सवाल मुझे, ये अवाम जो है ये इसी तरह मरते रहेंगे अगर ये सबक नहीं सीखेंगे, लीडरों के चेहरे नहीं देखेंगे? अवाम तो सबक, ये नारे लगाने से चीजें हल नहीं होंगी? नहीं होंगी। नारे लगाने से किसी जलसे में खड़े हो गए, अगर वो सिंसियर था, आप मुझे बताएं कि पब्लिक ओरिएंटेड कितने किसान आज सड़कों पर है। कल आज सुबह आप अखबार की दे रहे तो डेली वेजेस जो टीचर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की, वो तारिक फजल चौधरी उतर के नीचे आ गया। आपके डॉक्टर्स ऑलरेडी सड़कों पे। मुझे बताइए कौन सा ये अवाम इन बेवकूफ़ों को जो वहाँ खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं उनको समझ नहीं है कि ये शख्स पाकिस्तान का मुखालिफ है, पाकिस्तान के अवाम का मुखालिफ है, पाकिस्तान के अदारों का मुखालिफ है, और इसके जहन में सिर्फ अपनी ताकत है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर सारी उम्र के लिए बना। भाई तुमने ठेका लिया इस मुल्क का? इसने ठेका लिया इस मुल्क का? किसने? इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान आज़ाद कराया था? पाकिस्तान तो किसी और ने आजाद कराया था, वो तो थे ही नहीं, वो तो ही वाज़ा यहाँ पे आके भट्टी चला रहे थे 1947 के बाद, और अपने
घर का नाम रखा है वो जाति उमरा जो इंडिया में लोकेटेड है, ये अवाम कब समझेंगे? जब अवाम लीडरशिप के चेहरे को नहीं समझेंगे तो बासित साहब अवाम के साथ यही होता रहेगा और आने वाले दिनों में भी यही होता रहेगा। बेफिक्र रहे, वो नारे लगाते रहे, सड़कों में निकले, लेकिन इंडिया भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो मरेंगे भी, सुसाइड ब्लास्ट भी होगी और इस जैसे लीडर जो है अवाम की ओरिएंटेशन में काम भी कोई नहीं करेगा। एक सवाल ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे और करना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि आपने याद होगा आपको कि इमरान खान साहब जब यादगारे पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा किया था तो ऐसा लगा था कि जैसे एक तीसरी फोर्स बाकायदा आ गई है और तब्दीली की लहर चल पड़ी है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी इमरान, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह धरने हुए, जिस तरह और दूसरे वाकयात हुए, इमरान खान की शादी के वाकयात हुए और ये जो हालिया आपने जलसा देखा माल रोड पर हुआ तो उसमें तमाम पार्टियाँ इकट्ठी थी, पीपल पार्टी भी थी, अवामी तहरीक भी थी, तहरीक इंसाफ भी थी, लेकिन वो पजीराई इस जलसे को नहीं मिली। क्या आप देखते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है उसको कोई सेटबैक होने जा रहा है, धचका लगा है, वो क्या इमरान खान की जो एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो नीचे आ रहा है और मियां साहब का ऊपर चढ़ रहा है? असल में जितने ये जलसे जो हैं ये बैरोमीटर नहीं है, आप कोई तो वो नहीं होते, प्रीफिक्स नहीं होते इलेक्शंस के रिजल्ट के लिए। अब अगर आप कल के कश्मीर के जलसे की बात करें तो वो राजा फारूक हैदर है, वो भी बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन है नवाज शरीफ की और उसके भी आप परफॉर्मेंस देख लें अपना कश्मीर के अंदर जाके कि क्या रही है, उसने क्या गवर्नेंस किया, क्या लोग रो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जा रही, जो उनके मिनिस्टर जहाँ जिस तरह एक करप्शन का और मिस गवर्नेंस का लेवल है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नवाज शरीफ के ज़माने में यहाँ पर किया जाता था। उसके अंदर पूरे कश्मीर से अंदर से एक वैली है, एक वैली है या एक स्टेडियम है जिसके चारों तरफ पहाड़ है, उनके अंदर लोगों को जमा करना कोई बहुत बड़ी फिनोमेना नहीं है। पंजाब के अंदर जो जलसे होते, जलसों में तो चीज़ें हैं, जहाँ तक आपने बात किया इमरान खान की परफॉर्मेंस का, वाकई इमरान खान ने जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया है उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक तो अगर तो शादी के हवाले से करें तो शादी के हवाले से कंपेयर करना है तो उसको शहबाज शरीफ से कंपेयर करें कि शहबाज शरीफ ने कितनी शादियाँ की हैं और नवाज शरीफ, लेकिन इन आवाम को तो एक चीज़ मिल जाती है हमारे यहाँ, वो कंपैरिजन में दो लीडरों को लेके नहीं आते। ये कहीं शादी जाती इशू है ना, शहबाज शरीफ को शादी पर क्रिटिसाइज़ करें ना इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जहाँ पर सूबे में गवर्नेंस का लेवल है या जो उनको पोलिटिकल कॉम्बिनेशन करने चाहिए थे या जिस तरह चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए था वो चीज़ें आपको होती नज़र नहीं आ रही, वो होती नज़र नहीं आई। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह जब गवर्नेंस के ऊपर अशराफिया जो आज बैठी हुई है, अगर इसका होल्ड ख़त्म हो कर दिया आपने और एक इंडिपेंडेंट सेटअप करके आप इलेक्शन की तरफ गए तो इस तरह रिजल्ट इस तरह नहीं आएंगे जिस तरह आप लोगों को देख रहे हैं। रिजल्ट मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। डॉक्टर इकराम साहब काइंडली ये बताइए कि इस वक्त आप जो सियासी मंजरनामा देख रहे हैं उसमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है और पेशावर में तहरीक इंसाफ मौजूद है और इधर पंजाब में आप देख रहे हैं कि नवाज लीग भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, गालबन गिलगित में भी शायद इनकी पार्टी है, तो ये जब ऐसी सिचुएशन है जाके कोयटा में बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तो इनकलाब आ गया और वहाँ पर वो इनका अब इस वक्त कोई वजूद नहीं मौजूद पाया जा रहा, ये अब इस वक्त जो मियाँ साहब का बयानिया है जिस पर कहते हैं बेरोज़गारी मैं ख़त्म करता, मुझे रहने दिया जाता तो मैं अपनी क्या तब्दीली ले आता, हम क्या क्या मनसूबे मेरे दिल में थे, क्या क्या मेरे अरमान थे, वो खाक में मिला दिए गए, मियाँ साहब ये कह रहे हैं और ये अब इस वक्त आप देख भी रहे सारा सिनेरियो, आपको ये भी पता है कि जो कर्जों का एक अंबार लगता जा रहा है हमारे ऊपर वो क्या रोल प्ले करने जा रहा है, उधर से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है साथ साथ, और ये सब चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं कि हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ रहा है, कि आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में मेरे लिहाज से अगर मैं अपना तजिया करूँ तो इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत है उनकी थोड़ी सी बेहतर है कंपेरेटिवली सिंध से और पेशावर वालों से, तो आप क्या तजिया करते हैं इसके बारे में कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में? देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो हकीकी मसाइल से तो सभी की हट चुकी हैं और ये जो लोगों के मसाइल हैं उससे हटकर आप एक ऐसा बयानिया है कि जिसमें आपने देखा कि अगर हमारे यहाँ करप्शन भी बड़ा इशू नहीं रहा क्योंकि आम जिंदगियों में इन लोगों ने ये बात बिल्कुल लोगों को बावर करवा दी है कि दरअसल एक अच्छा निज़ाम जो है वो होता ही नहीं है और जब तक चोर चकारी ना की जाए तो एक वैल्यू सिस्टम पूरे का पूरा जब आप तबाह कर देते हैं तो फिर सारे लोग उसी भेड़ चाल में लग जाते हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ जो 70s के अंदर इशू जो थे वो चाहे कोई पार्टी का एक का हो दूसरे का हो वो लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े हुए थे कि लोग पूछते थे कि जी
हमारे लिए रोटी कब आएगी, हमारे लिए मकान क्या होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ चूँकि गैर जमहूरी दौर ज़्यादा रहे और ये नवाज़ शरीफ साहब भी उन्हीं गैर जमहूरी दौर का एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है हमें, और किसने इनको पाला और इतना बड़ा बनाया और कैसी कैसे इन लोगों ने, मैं अब आपको अगर बताने लगूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने बिलियंस के इन्होंने उस ज़माने में अपनी इतफाक फाउंड्री से शुगर मिलों को मशीनरियाँ, क्योंकि ये खुद ही ऊपर होते थे, उन्हीं लोगों को लोन मिलते थे जो इनकी मशीनरी लेते थे। एक बन इन अब पाकिस्तान की सियासत में मसला ये हो गया है कि जिनके पास मनी पावर है, इनके पास बेशुमार मनी पावर है, और जो लोग इनके जलसों में लोग लेकर आते हैं वो गरीब लोग हैं जिनको आप मनी पावर की बुनियाद पर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि जैसे एक इलाके का बहुत बड़ा कोई लैंड ग्रैबर है, वो इनका फिनेंशियर भी है और वही इनके लिए क्राउड भी पुल करता है। तो आपको इस अंदाज में ना लें कि ये कोई बहुत बड़ी ब्रॉड बेस मजदूर और बेचारे जो किसान हैं उनकी पार्टी बन गई है। हाँ, जो हमें अफसोस होता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो वाकई एक मैस ओरिएंटेड पार्टी थी जिसके साथ गरीब लोग जुड़े होते थे, वहाँ पे भी जरदारी साहब के सालों ने उस पार्टी का बेड़ा गर्क किया और अब वहाँ वो जो है वो उसके मुकाबले में लोगों को जो नज़र आता है वो ये है कि नवाज़ शरीफ के यहाँ जाएंगे तो हमें वोट के भी पैसे मिलेंगे, वो हमें बाद में भी। तो इसने पूरा नवाज़ शरीफ का सबसे बड़ा जुर्म पाकिस्तान की सियासत में ये है कि इसने हमारे वैल्यू सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और लोगों के यहाँ अब दिल में ये बात बैठ गई है कि अगर आप मनी पावर है, आप जैसे मर्जी पैसे कमाएं, बस आपको पाकिस्तान के अंदर पैसे कमाने चाहिए। और जो नज़रियात थे, जो अच्छाई की बातें थी, जो लोगों की भलाई की बातें थी, वो इन्होंने सब तबाह करके रख दी। अब भी उनको ये दुख नहीं है कि उनके पास पैसे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अदारों की जरूरत कैसे है कि वो नवाज़ शरीफ जैसे मनी पावर के सिंबल को की तरफ इशारा भी करें। देखिए, इस अदलिया ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि सबसे बड़ा हाथ डाला है, क्योंकि आम तौर पे हम यही सुनते हैं कि जी कानून भी सिर्फ उसी को सज़ा देता है जो कमज़ोर है, और ये बात ठीक भी थी। मगर जब पहली दफ़ा एक ताकतवर जो सिटिंग आपका प्राइम मिनिस्टर का, उसको हाथ डाला तो सिस्टम एकदम बेचैन हो गया। वो लोग जिन्होंने अब पाकिस्तान के निज़ाम पर कब्ज़ा कर रखा था, भले वो पंजाब में है या सेंटर में है, वो एकदम से परेशान हो गए कि ये जरूरत कैसे हुई इस अदलिया को कि वो हमें ये सवाल पूछे। और वो आज भी आपने देखा कि उन्होंने एक जगह उनका ये बयान जो है वो बकायदा हमारे मीडिया में आया है कि उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर मेरे जो असासे हैं वो मेरी आमदन से ज़्यादा हैं, कौन हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी वो आदमी किसी वैल्यू सिस्टम पे बिलीव ही नहीं करता। वो ये कह रहा है कि आप मत मुझसे पूछें कि मेरी दौलत कहाँ से आई है, या आप मत से मत पूछें कि मैं एवन फील्ड के इतने बेबहा फ्लैट्स में कैसे रहता हूँ। फ्लैट की बात आ रही है तो मैं आपसे ये भी सवाल ज़िम्नी करना चाह रहा हूँ, जो अभी हाल ही में बरतानिया में कानून मंजूर हुआ है जिसके तहत नॉन रेजिडेंट लोगों को अपने असासों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आए और किस तरीके से आए, उसके बारे में क्या कहते हैं कि मियाँ साहब के लिए मुश्किल में इजाफा होने जा रहा है। देखिए, ये जहाँ तक ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए उस पैसे के वाइट होने का ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शायद यूके का कानून भी, जो कि ज़ाहिर है कि वहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता आलमी जो सोच है वो बदली है, वरना उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी तीसरी दुनिया के हुक्मरानों ने लूट मार करके पैसे से लंदन में सबसे महंगी प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, और उसमें आप उनके भी कैपिटलिज्म को और वहाँ के हुक्मरानों को भी कोई ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं मैं देता, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा था कि हमने दुनिया में ये जो तफरीक है इसको बढ़ते हुए देखा। मगर मुझे ज़्यादा दुख पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान के अवाम को लूट कर इन्होंने बहुत सा पैसा जो था, और आप देखिए कि ये चाहे कोटेकना का केस हो चाहे इनके केसेस हो, कितनी दौलत इन लोगों ने लूटी है पाकिस्तान की लोगों के जो है हुक्मरानी के नाम पर, और फिर उससे बाहर कितने अपने महलात बनाए हैं। क्या हम सरे महल का को भूल गए हैं कि जिसको उन्होंने कहा हमारा नहीं और फिर बाद में उनका निकल आया। इनकी कारकर्दगियाँ तो उनसे भी कई हाथ आ गए हैं, मगर जाहिर है कि इन्होंने एक बड़ी होशियारी की कि इन्होंने अपने ज़माने में ज़्यादा जोर यही रखा कि जी नवाज शरीफ तो बिल्कुल अच्छा आदमी है और जो जरदारी है वही ईवल है। अब जब वो पलटी गेम और पता चला कि जरदारी से तो कहीं ज़्यादा असासे इन लोगों ने बाहर बना रखे हैं तो ये परेशान हो गए। अब इनकी परेशानी में आने वाले दिनों में आपने सही कहा है, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत जगह पे जहाँ जहाँ भी इन्होंने दौलत लूट कर रखी और भी कहीं जगह जगह पर इनके असासे मौजूद हैं, बल्कि दीगर पार्टियों के लीडरों के असासे मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स के असासे मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा पूछेंगे कि आखिर इन असासों के बारे में हुकूमत वक्त जो मौजूद है वो क्यों नहीं कानून साजी करती। तो ब्रेक से वापस आकर फिर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।